ने मेरे कपड़े पाड़े। अधिकारी एक मुझसे कान में ले लगा कि ज्यादा मत उछल, चुनाव में चुप बैठा रहे। मैंने अधिकारी से कहा क्यों बैठा रहा हूं साहब, बुजदिली नहीं है मेरे अंदर, चूड़ियां नहीं पहनी हाथ में मैंने। कान में कहकर गया मेरे के एनकाउंटर करा देंगे वो इतने बड़े लोग, कान में कहकर गया मेरे के एनकाउंटर करा देंगे वो इतने बड़े लोग, कान में कहकर गया मेरे के एनकाउंटर करा देंगे वो इतने बड़े लोग हैं। संपत्ति एक टाल उस पे आपको लड्डुओं में तोलने की वो थी, एक मुखबिर जो एनआरसी और सीए के टाइम पर मशहूर हुआ था, यहाँ के विधायक का कार्यकर्ता होता था, पता चला कि उसके हरकत पे शक है हमें कि उसकी हरकत पे बिजली काट दी गई, हमारे लड्डू के टोलने के कार्यक्रम पे लाठीचार्ज करा दी गई। हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि हमारा सहयोग करें, मैं एक प्रत्याशी हूँ, कानून मेरे लिए भी है। पुलिस ने कहा कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने पुलिस से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैं वहां से अगले कार्यक्रम में चला गया, जब मैं अगले कार्यक्रम में गया तो मेरे पास सूचना ये आई कि पुलिस ने मेरे चुनाव कार्यालय पे फोर्स के साथ घुस गई है और मेरे लोगों को जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे उन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज की, उनकी टांगों पे सरों पे हमले किए। आप चारों तरफ देखिए कुर्सी बिखरी हुई है, लाठीचार्ज का देखिए ये तरीका, ये लाठी भी उनकी छूट गई और ये लाठी टूटी हुई देखिए। मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है। समाजवादी वाले जो नेता है वो प्रत्याशी भले ही सिंबल समाजवादी का है लेकिन उसके पीछे बीजेपी की ताकत है, वो अधिकारियों से मुझे टॉर्चर कराना चाहता है। मेरा चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है, जनता फैसला कर चुकी है कि बदलाव की तरफ चलना है और जैसे जैसे मेरा चुनाव चला मेरे लोगों मेरे साथ बदतमीजी कराई जा रही है, मेरे लड़कों को मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, मेरे चुनाव कार्यालय तोड़े जा रहे हैं। एक मुखबिर जो सीए के टाइम पे मुसलमानों के खिलाफ मशहूर हुआ था, वो मुखबिर वो दलाल मेरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से उत्पीड़न करा रहा है, वो उसके ऊपर महबूब अली और परवेज अली आज शहर के अंदर, शहर की जनता उनसे नाराज है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो 5 साल तक जनता को छोड़ के घर में छुपे रहे थे, आज जनता बदलाव की बात कर रही है, मेरा समर्थन कर रही है, तो वो मेरे समर्थनों को धमकाएंगे, पुलिस से पिटवाएंगे क्या? बीजेपी से मिलकर जो मेरे साथ ये काम किया जा रहा है, अमरोहा के लोगों आप देख रहे हो, मेरा मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, मेरी मदद करनी होगी क्या? मुझे चूड़ियां दे दो आप, मैं भी चूड़ियां पहन लूंगा, या मुझे हिसाब दो क्या? मेरी नस्लों को चुनाव लड़ रहे, आपकी नस्लों को अमरोहा के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? चाहते हैं मैं लोगों से इंसाफ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जनता देखे और मीडिया दिखाए कि मेरे चुनाव कार्यालय का क्या हाल किया गया है, मेरे लोगों का, मुझे अस्पताल में मेरे कार्यकर्ता एडमिट है उन्हें देखा जाए। मीडिया वाले मेरे कान में एक पुलिस वाला कह के गया है कि मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, जो तुझसे हो सके कर लेगा। मैं पुलिस वाले की शक्ल देख के बता सकता हूँ मेरा इनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं एक प्रत्याशी हूँ, मेरे साथ मेरा इनकाउंटर कराएगी पुलिस, ये कानून का राज है, मुझे मदद चाहिए। मैं नहीं जा सकता, मैं बुजदिल नहीं हूँ, अपना इनकाउंटर करा, मेरा इनकाउंटर कैसे कर सकते हैं? मैं कोई अपराधी हूँ? मेरे कान में इनकाउंटर की बात करने वाला वो कानून अधिकारी कौन है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इन बाप बेटों के कार्यकर्ता जो वसी एक के टाइम पे मुसलमानों पर पत्थर फेंकने के लिए मशहूर हुआ था, उसकी मुखबरी पर मेरे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब बदतमीजियां हुई है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, देखो इतने बुजदिल मत बनो अमरोहा के लोगों, मैं आपकी नस्ल हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, या तो मुझे चूड़ियां दे दो, मैं चूड़ियां पहन लूंगा, तमाम नौजवानों को चूड़ियां दे दो, या हमें बताओ कि हम चुनाव लड़ के कौन सी गलती कर रहे हैं? अगर जनता हमारे साथ है तो हमारी क्या गलती है? बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।